आज ट्राई करते हैं कुछ स्पेशल नमकीन जो आप चाय या इवनिंग स्नैक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बनाते हैं चिवड़े का नमकीन, तो आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी अपनी किचन में, जहां आज हम एक नमकीन की रेसिपी बनाना सीखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हम बनाएंगे चिवड़े का नमकीन। चिवड़े का नमकीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और एकदम हेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हेल्दी इंग्रेडिएंट ही यूज़ होते हैं और ये थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अपना चिवड़े का नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने एक कप चिवड़ा लिया है, थोड़ी सी किशमिश, नारियल जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, बादाम, मूँगफली दाना और कुछ पत्ते कड़ी पत्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चिवड़ा नमकीन के लिए यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं एक चम्मच सौंफ पाउडर, काला नमक, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर फ्लेवर। हमें तीखापन नहीं लाना, इसलिए हम थोड़ा सा कलर और फ्लेवर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। यहाँ मैं पाउडर शुगर का यूज़ कर रही हूँ, ये 1 से 2 चम्मच पाउडर शुगर हमने ऐड करा है, क्योंकि हम अपने नमकीन को खट्टा मीठा बनाएंगे। और खटास लाने के लिए यहाँ हम अमचूर पाउडर का यूज़ करेंगे और इनको अच्छे से मिला देंगे। हमारा मसाला अच्छे से मिल गया है, अब हम इसको एक साइड पर रखते हुए अपना चिवड़े की तैयारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम गरम तेल के अंदर अपने चिवड़े को तल लेते हैं। मैं यहाँ पर छलनी की हेल्प से ही अपने चिवड़े को तल रही हूँ, जिससे कि एक सिस्टम पे मेरे चिवड़ा इवनली कुक हो जाए और वो उठाते हुए जले ना, और एक कंटेनर में निकालती रहती हूँ। हमारा सारा चिवड़ा तल के तैयार है, अब हम इसमें 1 चम्मच मसाला मिला देंगे, जिससे कि हमारा मसाला जो है वो चिवड़े के साथ इजीली मिल जाएगा, और इसको 1 चम्मच की हेल्प से हिला देंगे, जिससे कि हर एक चिवड़े के ऊपर मसाला लिपट जाएगा। इतने हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को तल लेते हैं। अब यहाँ अपने मूंगफली दाने को हम तल लेते हैं, जिससे कि एक क्रंचीनेस हमारी मूंगफली के अंदर आ जाए। मूंगफली का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इसमें हम अपने बादाम ऐड कर लेते हैं और उसको भी क्रंची होने तक कुक कर लेते हैं। मूंगफली को हमने छलनी में इसलिए लगाया कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा रिमूव हो जाए। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप भी उस रेसिपी को ट्राई कर सकें। बादाम का कलर चेंज हो गया है, उसको भी हम अपनी छलनी में निकाल लेते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब यहाँ हम अपने कोकोनट को ऐड कर लेते हैं और इसको भी कलर चेंज होने तक कुक कर लेते हैं। कोकोनट हमारा बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा तेज़ गैस पे मत रखिएगा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही कुक कीजिएगा। यहाँ हम अपनी किशमिश को भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, ये थोड़ा आराम से कीजिएगा, क्योंकि कड़ी पत्ता तेल के अंदर जाते ही चटकना शुरू कर देता है। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने तल के अच्छे से कुक कर लिया है, अब हम अपने चिवड़े की तैयारी कर लेते हैं। जितना भी हमने तली हुई चीज़ें हैं उनको एक प्लेट, बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे कि इजीली हम उसको नमकीन में मिला सकें। और इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं, जिससे कि एक फ्लेवर, एक नमक, मिर्च और तीखापन हमारे नमकीन में आ सके। और चिवड़े को मिलाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिला लेते हैं और अपना नमकीन तैयार कर लेते हैं। इसमें हम बचा हुआ मसाला भी ऐड कर लेते हैं,
और सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला देते हैं। मेरी प्लेट छोटी लग रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़े बड़े बर्तन में निकाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है दोनों स्पून की हेल्प से। हमारा चिवड़ा नमकीन बनके बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, क्योंकि मेरी किचन में जो दिखता है वही बनता है। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।